बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलीमर्स बी गैस में, और आज इस पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा हम पिछले सेशन के बारे में रिव्यू करेंगे कि पीछे हमने थोड़ा क्या डिस्कस किया था। कि पेंट के अंदर जो है वो पेंट टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस किया, और पेंट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो मेन चीजें जो पेंट जिनसे बनता है वो उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। बाइंडर है उसमें, पिगमेंट एंड अदर एडिटिव्स हैं, और सॉल्वेंट्स हैं। बेसिकली जो पेंट हमारे पास आता है वो अगर टू पैक है तो वो दो कंटेनर्स में हमारे पास आएगा, एक 16 लीटर का और 4 लीटर का। टोटल ये आ गया 20 लीटर का। ये 20 लीटर को जब हम मिक्स करते हैं, टू कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं जब, तो ये पेंट जो है कुछ केमिकल रिएक्शन करता है मिक्सिंग के बाद। फिर उसमें हमने कहा था कि भाई हम उसको 10 से 15 या 20 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में सेटल डाउन हो जाएं। वो जो सेटल डाउन है और एप्लीकेशन मिक्सिंग से लेकर क्योरिंग तक, ड्राइंग तक, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन भी होता है जिसमें जो है ये पॉलीमर्स जो है ये अपनी बर्निंग करते हैं। आज इनको हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीजें हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स कह रहा है जी कि ए सब्सटेंस विच हैज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्ड अप चीफली और कंप्लीटली फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट्स बॉन्डेड टुगेदर। मैनी सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड एज प्लास्टिक एंड रेजिन्स। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड ऑफ अ बाइंडर इज टू चेंज फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड फॉर्म, अ फिल्म। टू परफॉर्म दिस फंक्शन ऑल बाइंडर्स फ्रॉम पॉलीमर्स आर यूज पॉलीमर्स ऑलरेडी पार्शली फॉर्म्ड। द वर्ड पॉलीमर मीन्स लिटरली मैनी पार्ट्स। पॉली मीन्स मैनी, मर सिंगल, यूनिट और पार्ट। मर कैन बी अ सिंगल एटम और अ मॉलिक्यूल, अ ग्रुप ऑफ एटम्स। एंड पॉलीमराइजेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग अ स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स। एंड पॉलीमराइजेशन इज द जॉइनिंग टूगेदर ऑफ अ स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स। एक ही तरह की चीज जो है वो एक जो स्ट्रिंग बनाती है, एक साथ वो जुड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम कह लें जी, एक रफ सी हम एग्जांपल पकड़ते हैं कि पेंट के अंदर आप समझ लें कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं जिनका नाम ए है। अब ए कैटेगरी के जितने भी होंगे वो आपस में एक साथ लिंक हो जाएंगे। किसी का नाम बी है, वो बी वाले सारे एक एक साथ जुड़ जाएंगे। किसी जगह सी है, वो सी वाले एक साथ जुड़ जाएंगे। बाज जगह केमिकल रिएक्शन ऐसा आएगा कि ए बी सी जुड़ जाएंगे। बाज जगह ऐसा आ जाएगा कि ए बी सी डी जुड़ जाएंगे। बाज जगह ऐसा आएगा कि ए बी सी एक जगह जुड़े, फिर ए बी सी दूसरी जगह, फिर ए बी सी तीसरी। उन्होंने एक अपना एक जो है बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंगल पार्ट में, ये एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं, पेंट जब हम मिक्स कर देते हैं, तो इनका प्रोसेस वहां से ही शुरू होना हो जाता है। उससे लेकर क्यूरिंग तक ये प्रोसेस जो है चलता है। तो ये जो बॉन्डिंग जो है ये बनाते हैं एक दूसरे के साथ, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, ये केमिकल इनका प्रोसेस आता है। अब क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स इसमें पाए जाते हैं, मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पॉलीमर्स आर क्या क्या है इनमें। हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। अभी यहाँ पे देखें, ये लीनियर ब्रांच या क्रॉस लिंक्ड। लीनियर पॉलीमर जो है वो इस शेप में आएंगे, ए ए ए ए ए ए देख लें, या बी 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 बी, सी 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 सी, डी डी, ऐसे। ब्रांच पॉलीमर्स में ए ए बी 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 सी 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 ए बी सी समथिंग रिपीट हो रही है कुछ चीजें, और क्रॉस लिंक में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आ गया है। एज द नेम इम्प्लाइज द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म
the polymer join on at the end of the structure and in so doing saturate the structure. This type of polymer is also referred to as a solution polymer. ये आपका जो है ये पहली टाइप है लीनियर पॉलीमर है. लीनियर पॉलीमर में ये इसके आइटम जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होगे बॉन्डिंग बनाई ली इन्होंने जॉइंट टुगेदर होगी. लीनियर पॉलीमर ईच शेप रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल. दिस इज द शेप. ये शेप है इसकी. नेक्स्ट बाय सिंगल लाइन एन आयनिक बॉन्ड an electron joining to the next molecule. The process depends upon the properties of carbon which form the backbone of the structure. Carbon can give away electrons, take in electrons, share electrons or join with itself in many ways. जिस तरह से भी ये आपस में मिलेंगे लेकिन ये एक आपके पास linear और एक straight line की तरह ये आपस में connect हो जाते हैं. अब ब्रांच पॉलीमर्स पे आते हैं. ब्रांच पॉलीमर्स में क्या है. ब्रांच पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन विद द डबल बॉन्ड्स अवेलेबल. ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट कंबाइन्स विद द कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल ऑयल्स एंड रेजिन्स कॉल्ड फैटी एसिड ईस्टर्स. The double bonds in these fatty acid chains are not at the end of the structure, but in the middle. So any combination doesn't occur lengthways to elongate the chain, but form a branch from the main carbon backbone. Because of the abundance of reactive oxygen in the atmosphere, the branching carries on over several years. Until eventually the matrix becomes cross-linked and very brittle and cracks and flakes off. Binders which fall under this category are natural oils and natural resins and isomers such as alkanes and phenolics. By combining with another element and chemically reacting to form another compound, these materials become non-reversible. आर कन्वर्टेबल कोटिंग थर्मोसेटिंग. ये वो प्रोसेस है. ये वो नीचे नॉन रिवर्सिबल या कन्वर्टेबल कोटिंग्स जो आ जाती हैं. ठीक है, ये उसका मोस्टली ये जो टर्म्स हैं ये इंटरव्यूज वगैरह में ये चीजें पूछी जाती हैं. तो ब्रांच पॉलीमर्स में आपके पास जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड्स अवेलेबल हैं. थोड़ा सा जो सिंगल जो लीनियर हमारे पास था उससे ये प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. और इसमें हमारे जो पेंट हैं जो मोस्टली जो अल्केड और फिनोलिक पेंट हैं वो जो प्रोसेस होता है उसमें ज्यादा ये चीजें पाई जाती हैं. अब नॉन रिवर्सिबल और कन्वर्टेबल कोटिंग है. स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स और पॉलीमर्स क्या है. ये मोनोमर्स है. मोनोमर इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल है. और पॉलीमर्स क्या है. पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ रिपीटेड पैटर्न ऑफ मोनोमर्स. मोनोमर्स एक सिंगल आ गया हमारे पास और पॉलीमर्स में क्या आ गया, जॉइंट टुगेदर एक चेन आ गया है. ठीक है, वो लीनियर है, वो ब्रांच है या वो क्रॉस लिंकिंग है. अब क्रॉस लिंक पॉलीमर्स यहाँ देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आ गया. आपको मुख्तलिफ किस्म के कलर इसमें नजर आ रहे हैं. थोड़ा cross-link polymers, cross-linking or chemical curing is three-dimensional polymerization process which occur fairly rapidly using only components provided in the canes. Two-pack paint आपको मैंने कहा है. Because the components are in calculated amounts, the cross-linking stops when all the available bonds are occupied. Some urethanes fully cure in 16 hours, some epoxies in 3 days and others in 7 days dependent on the temperature. आज एक टेम्परेचर के सेशन में भी मैंने ये चीजें बताई हैं कि जो स्टील टेम्परेचर होता है वो अफेक्ट करता है हमारी ड्राइंग को, हमारी क्यूरिंग को. और ये पूरा जितना भी, बज दफा हम लोग
एप्लीकेशन करते हैं पेंट की, साइट पे हमने अप्लाई किया है और वो पाइप हमने भेज दिया फील्ड में, कंस्ट्रक्शन लेके चली गई है, तो वो जरूरी नहीं है कि हमने आज पेंट मारा है तो आज वो ओनली ड्राई हुआ, वो क्योर नहीं हुआ, वो ओनली ड्राई टू टच है, उसके अंदर अभी प्रोसेस नहीं हुआ। बस पेंट ऐसे होते हैं कि जब उनके अंदर से वो कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोसेस लाइन के अंदर से जब गुजरेगा ऑपरेशन के दौरान, वो पेंट उस वक्त ड्राई होगा, कंप्लीट फुल फॉर्म में क्योर होगा। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि ये हमारी जो केमिकल, इसकी जो कंपोजिशन है, जो इसकी क्रॉस लिंकिंग है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कब, कैसे, किस टेम्परेचर पे जाके अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक जगह कहीं क्लास हो रही है, हॉल बना हुआ है, वहां पे 20 चेयर्स लगी हुई हैं, तो 20 लोगों ने आके वहां पे बैठना है, तो हर एक बंदा जाके अपनी जगह पकड़ के सीट पे बैठ जाएगा। सेम इसी तरह जो जब पॉलीमर्स होते हैं तो अपनी अपनी उनकी जगह होती है, वो अपनी जगह पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं उस प्रोसेस में अंदर, वो जो केमिकल प्रोसेस कंप्लीट होगा, उन्होंने वहां जाके सेटल डाउन होना है, उसके लिए हमें टाइम चाहिए, 16 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, दिन, और वो सारी की सारी चीजें किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। हम लोग सरफेस प्रिपरेशन से लेकर एंड क्यूरिंग तक, ड्राइंग और क्यूरिंग दो डिफरेंट चीजें हैं, क्यूरिंग तक हम लोगों का जो है वो टेम्परेचर इन्वॉल्व रहता है उसमें, और इन चीजों को हमें मद्देनजर रखना है, समझना है चाहिए इनको। अब नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास रेजेंस, ये जो टॉपिक है इसको देख लेना चाहिए, या नेक्स्ट ऑयल्स, ये नेक्स्ट किसी इंशाल्लाह सेशन में हम इन चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों ने इसी को थोड़ा रिवाइज करना है, इसको देखना है, इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास पॉलीमर्स के हवाले से, लीनियर ब्रांच या क्रॉस लिंक जो पॉलीमर्स हैं, इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे ईमेल करें info@fatimatvti.org.pk पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, कोई बैठक होगी जिसमें हम लोग जो है वो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रेजिन्स है, ऑयल्स हैं, जो पेंट के अंदर कुछ मजीद जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं पेंट की टेक्नोलॉजी में, पेंट की कंपोजिशन में, उन चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि ये वीडियो, ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। फिर यही कहूँगा कि ये जो चैनल है राशिद गुलाब का, इसको आपने शेयर भी करना है और इसको सब्सक्राइब भी करना है, और स्पेशली उन लोगों के तक आपने ये चीज़ पहुँचानी है जो आप समझते हैं कि इस चीज़ के हकदार हैं, जिन चीज़ों के लोगों के पास जो है गाइडलाइन नहीं है, जिन लोगों को गाइडलाइन की ज़रूरत है, और मोस्टली वो हमारे कॉम्पिटेंट वो बच्चे जो DAE सिविल और टेक्निकल अदारों में जो है वो पढ़ रहे हैं, उन तक ये चीज़ आपने पहुंचानी है, ताकि हमारे बच्चों में ये चीज़ अवेयरनेस हो कि क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और किन किन फील्ड्स में हम लोग आगे जा सकते हैं। तो किसी को सीधे रास्ते पर लगाना, उसको कुछ गाइडलाइन देना, ये सदका जारिया भी है मेरी नज़र में, और मेरे ख्याल से हम लोग अगर किसी के काम आ सकते हैं तो अल्लाह पाक जो है ये हमसे मतलब एक अच्छा काम ले रहा है। आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है, मैं फिर यही वर्ड यूज़ करता हूँ कि जो हकदार है उस तक आपने इनको पहुँचाना है। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का मियो नासिर हो। फी अमानुल्लाह।